हेलो ऑल, मेरा नाम अरुण और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ एक बहुत ही हॉट टॉपिक लेके, जिसे हम कहते हैं डेटा साइंस। आजकल लगभग हर दूसरा बंदा इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है, क्योंकि शायद पूरा फ्यूचर ही डेटा साइंस है, पूरा फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो है, व्हाट इज डेटा साइंस? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आज के डेट पे डेटा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कंपनीज उसको यूज़ करके या तो कुछ कुछ अपनी कंपनी के लिए बेनिफिशियल इंसाइट्स निकाल सकती हैं, या फिर वो प्रिडिक्शन कर सकती हैं, या फिर वो क्लासिफिकेशन कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हम इसका यूज़ केस डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे कैसे केसेस में ये मशीन लर्निंग यूज होता है। आगे के वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। तो और डिटेल में ज़्यादा ना जाते हुए बस हम इतना देखेंगे कि डाटा साइंस जो है वो डाटा के थ्रू इनसाइट्स निकालने के कैपेबिलिटी को कहते हैं, या फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम इससे, या फिर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर और भी जो यूज केसेस हैं उस केस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो दूसरा क्वेश्चन राइज होता है वो है, व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो अगर हम मशीन लर्निंग को देखें, ये एक सिंपल वर्ड को देखें, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो हमें मिलता है मशीन एंड लर्निंग, मतलब मशीन की लर्न करने की कैपेबिलिटी को मशीन लर्निंग कहते हैं। तो हम कब कहेंगे कि मशीन के पास लर्न करने की कैपेबिलिटी है? ओके, ये क्वेश्चन है, हम कब कहेंगे कि मशीन के पास लर्न करने की कैपेबिलिटी है? तो ये जो दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है, ये दूसरा पॉइंट इसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हम कब कहेंगे कि मेरे मशीन को, मेरे कंप्यूटर को के पास लर्न करने की कैपेबिलिटी है। राइट, तो सपोज करते हैं कि कोई टास्क है जिसका नाम सपोज करो मैंने दिया टी, ठीक है। तो अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का उस टास्क को करने में, उस टास्क टी को करने में कुछ एक्सपीरियंस होता है जिसका मैंने नाम दिया है ई, ओके। अगर मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी टास्क टी को करने में एक्सपीरियंस ई होता है, तो उस टास्क को करने में वो जो मान लो परफॉर्मेंस दिया, क्या परफॉर्मेंस है, क्या मतलब किस तरीके से वो काम वो सही से कर पाया या नहीं कर पाया, उसका एक सपोज करो मेजरमेंट टूल मैंने बनाया, मेजरिंग इंडिकेटर बनाया मैंने, जिसका मैंने नाम दिया पी, ठीक है। अगर मेरे कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी टास्क टी को करने में एक्सपीरियंस ई होता है, और उसको जब किसी पैरामीटर से हम मेजर करते हैं, तो उसका नाम मैंने दिया, वो परफॉर्मेंस का नाम मैंने दिया है पी, अगर ये हर इटरेशन में इम्प्रूव करे, ओके, अगर ये चीज़ हर इटरेशन में इम्प्रूव करे, मतलब फिर से अगर मेरा प्रोग्राम जो है उस टास्क को करता है और उस टास्क को करने से एक्सपीरियंस ई होता है और परफॉर्मेंस जो पहले से था वो बढ़े, तो उस कैपेबिलिटी को हम लोग कहेंगे कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है मेरा लर्न कर रहा है, उस एक्सपीरियंस ई से मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम लर्न कर रहा है, इस कैपेबिलिटी को हम लोग कहेंगे मशीन लर्निंग। ओके, तो एक सिंपल सा, इतने डीप में ना जाते हुए, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग धीरे धीरे समझोगे आगे के वीडियोस में, इतने डीप में ना जाते हुए मैं बस सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कंप्यूटर्स के पास ये कैपेबिलिटी आ जाए कि वो डेटा से लर्न करने लगे, तो उसे हम, उस साइंस को हम मशीन लर्निंग कहेंगे। ओके, इस चीज़ को हम और आगे देखेंगे डीप में। मैं बस एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहता था, वो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम कुछ मेजर कैटेगरीज देखेंगे मशीन, जो कि मशीन लर्निंग के अंदर है। मशीन लर्निंग के अंदर बेसिकली चार कैटेगरीज हैं। पहला है वो है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है वो है अनसुपरवाइज लर्निंग, तीसरा है
उसका नाम है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, और चौथा है जिसका नाम है रेनफोर्स्ड लर्निंग। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। ओके, तो एक्चुअली डाटा साइंस में होता क्या है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बहुत बहुत तरीके के हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ड किए हुए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, KNN, ओके, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत तरीके के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है और डे बाई डे और नए नए एल्गोरिदम्स बन रहे हैं। ओके, तो उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हम लोग ट्रेन डेटा डालते हैं, डेटा को तैयार करके उसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर डालते हैं, फिर हम उसका आउटपुट देखते हैं। सॉरी, उस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर हम डेटा डालते हैं और डेटा डाल के उस मशीन लर्निंग को हम ट्रेन करते हैं, उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं, हमारा जो मशीन लर्निंग ट्रेन हुआ है क्या वो एक्यूरेटली मेरे रिजल्ट को दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद हम नया डेटा डाल के अपना जो भी प्रिडिक्शन है, आउटपुट है, रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो हम ला सकते हैं। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि जो डेटा हम फीड करते हैं उसके अंदर सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, जिसे हम लेवल कहते हैं। सपोज करो मुझे किसी घर का प्राइस कैलकुलेट करना है, तो प्राइस जो डेटा होगा वो डेटा कैसा होगा, सपोज करो जो डेटा है वो डेटा है उस एरिया का, जिस वो उस जो हाउस है, किसी हाउस का हमें प्राइस प्रेडिक्ट करना है, तो जो हाउस है उसका एरिया कितना है, वो हाउस कितने एरिया में फैला हुआ है, उसमें वो कितने स्टोरी की बिल्डिंग है। ठीक है, सपोज करो इन दो पैरामीटर्स पे, इन दो फीचर्स पे हमें प्राइस का प्रेडिक्शन करना है। ठीक है, जो तीसरा कॉलम है उसका नाम है प्राइस। तो सपोज करो कि 5 डाटा पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं। ओके, मतलब 5 घरों के ये डिटेल्स दिए हुए हैं कि वो कितना एरिया में है और वो कितने स्टोरी का है। ओके, तो ये दो कॉलम्स हो गए, वो कितने एरिया का है और वो कितने स्टोरी का है। जो तीसरा कॉलम है वो होगा प्राइस। ओके, तो इन पांचों डाटा पॉइंट्स के मेरे पास प्राइस होने चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारे पास डेटा में डिजायर्ड सॉल्यूशन है। तो अब अगर हम इस डेटा को अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फिट करेंगे और एक्यूरेसी वगैरह मेजर करके हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फाइनल कर देंगे कि मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेंड हो चुका है, अब अगर हम कोई नया डेटा पॉइंट डालते हैं, कोई छठा नया डेटा पॉइंट डालते हैं, तो मेरा प्राइस का प्रिडिक्शन हो जाना चाहिए सही। ओके, तो ये प्राइस का प्रिडिक्शन इसने कैसे किया, इसने पहले के जो प्राइस थे उनको एनालाइज किया, और भी जो दो कॉलम्स थे कि उसका एरिया कितना और कितने स्टोरी की वो बिल्डिंग है, उसको एनालाइज किया, उसके बाद इसने नए प्राइस को कैलकुलेट किया। तो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास डेटा में जो है वो डिजायर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिजायर्ड सॉल्यूशन प्राइस था, हमें प्राइस निकालना था किसी नए हाउस का, तो हमारे पास प्रीवियसली डेटा में भी मशीन लर्निंग मॉडल में फिट करने से पहले भी प्राइस था। ओके, तो ये था कि व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, और दो तरीके होते नहीं है, मैंने दो एग्जांपल लिया आपको दिखाने के लिए। क्लासिफिकेशन टाइप का एग्जांपल है, क्लासिफिकेशन मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को जैसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों के पास जीमेल में मेल आता है, राइट, तो कुछ मेल्स आप लोग देखते होंगे कि वो स्पैम वाले फोल्डर में चला जाता है, और जो हमारे नॉर्मल मेल्स हैं वो नॉर्मल इनबॉक्स में रहता है। ओके, तो जो स्पैम वाले फोल्डर में चला जाता है वो अनडिजायर्ड मेल्स है जो हमें नहीं चाहिए। ओके, वो अनडिजायर्ड मेल्स है हमारे पास। ओके, तो हमारा जो जीमेल है उसमें कुछ कुछ तो
एल्गोरिथम सेट होगा जिसके कारण वो जो है प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि ये स्पैम है, इसको इसमें डाल दो स्पैम वाले फोल्डर में, और ये सही ईमेल है इसको इनबॉक्स वाले फोल्डर में ही रहने दो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जीमेल है वो इसको कैटेगराइज कर रहा है, क्लासिफिकेशन क्लासिफाई कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो हमें आउटपुट पता है, या तो वो स्पैम है या तो फिर वो नॉर्मल ईमेल है, राइट। जो दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कैंसर डिटेक्शन का, यहाँ भी क्लासिफिकेशन हो रहा है कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं है, हमें आउटपुट पता है ऑलरेडी। ओके, जो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रिग्रेशन टाइप। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ऊपर एक हाउस के प्राइस को प्रिडिक्ट करने का, उसी तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है प्रिडिक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए कार, ये भी एक रिग्रेशन टाइप ही एग्जांपल है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स देखते हैं जो कि सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स हैं। सुपरवाइज लर्निंग के कुछ इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं के नियरेस्ट नेबर्स, इसको शॉर्ट में KNN भी बोलते हैं। दूसरा है लीनियर रिग्रेशन, तीसरा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और एक है सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसको हम SVMs भी बोलते हैं। उसके आगे का है डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट एंड न्यूरल नेटवर्क। अब जो है हम दूसरे टाइप की लर्निंग को देखेंगे, दूसरे टाइप्स के एल्गोरिदम्स को देखेंगे जिसका नाम है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर ट्रेनिंग डेटा जो है वो अनलेबल्ड होता है, उसके अंदर लेबलिंग नहीं होती। तो लेबल से क्या मतलब है? लेबल मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि जैसे यहाँ पे मुझे प्राइस निकालना था, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए कार निकालना है, तो लेबल क्या हो गया? प्राइस। ओके, लेबल प्राइस हो गया, राइट। उस कॉलम का नाम कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कॉलम प्राइस का है, राइट, ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई लेबलिंग नहीं होती, सिस्टम खुद से लर्न करता है। जैसे गूगल फोटोज के अंदर फोटोज होते हैं, राइट, सिस्टम ने खुद आइडेंटिफाई किया। अगर मान लो 5-6 फोटोज हैं, ओके, मेरी फोटो है, आपकी फोटो है, आपके मम्मी की फोटो है, आपके पापा की फोटो है, और 5-6 फोटोज है, राइट, सिस्टम खुद खुद उन 5-6 फोटोज में आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चेहरा मिल रहा है, तो ये तीनों एक इंसान है, ये चेहरा मिल रहा है, तो ये तीनों एक इंसान है। मल्टीपल फोटोज में वो एक साथ आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट। तो ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल हुआ। अब अगर मैंने किसी फोटो पे नाम लिख दिया, जैसे आपके फोटो पे मैंने आपका नाम लिख दिया, ठीक है, किसी एक फोटो पे, और आपकी मम्मी के फोटो पे मैंने आपकी मम्मी का नाम लिख दिया, आपके पापा के फोटो पे मैंने आपके पापा का नाम लिख दिया, तो वो जितने फोटोज हैं वो सारे फोटोज में वो चीज़ ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा इंटरनली। वो उस मशीन लर्निंग ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये बंदा ये है, ये बंदा ये है, ये बंदा ये है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वो एक टाइप के फेस को डिटेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली, विदाउट गिविंग एनी इनपुट। ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। हमारा मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर जो है, ऑटोमेटिक इस चीज़ को लर्न कर रहा है कि ये फेसेस मिल रहे हैं, तो ये सब एक बंदे हैं। ओके, उसके बाद मैंने उसमें इनपुट दिया, उसमें लेबलिंग की। लेबलिंग क्या कि मैंने नाम दिया कि ये राहुल है, ये उसकी मम्मी है, और ये उसके फादर हैं, तो वो सारे फोटो में इस चीज़ को लेबल कर देगा। आपने देखा होगा फोटोज के नीचे नेम्स आते हैं। ओके, तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग है। तो बेसिकली जो गूगल फोटोज है वो एक सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे।
ये सेमी सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। ओके अब जो है अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जैसे डिटेक्टिंग अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉड। ओके अगर फ्रॉड को रोकने के लिए जो अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कभी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो या फिर डेबिट कार्ड स्वाइप करो तो आपके पास तुरंत कॉल आता है बैंक की तरफ से कि ये ट्रांजेक्शन क्या आपने किया है। वो कुछ आपके उन्होंने कुछ एल्गोरिदम्स लगा रखे हैं जिनके कारण उनके पास ये अलर्ट जाता है, या फिर कैचिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसमें इनको डिफेक्ट कैच करना है तो उस केस में भी अनसुपरवाइज्ड टास्क को यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को हम और आगे डिस्कस करेंगे। एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन रूल लर्निंग। ये भी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। तो इसका एग्जांपल एक ये होगा कि जैसे हम अमेजन में कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ खरीद रहे हैं। ओके जैसे कुछ मैंने खरीदा, जैसे बुक मैंने खरीदा, ठीक है। तो बुक जब मैं अपने कार्ट में ऐड किया तो नीचे रिकमेंडेशन आ रहा है कि द यूज़र हु बॉट दिस बुक ऑल्सो बाय दिस पेन, मतलब जो ये बुक खरीदता है उसने ये पेन भी खरीदा है तो आप भी कर दो, ऐसे रिकमेंडेशन आने लगते हैं। इसको हम लोग अन एसोसिएशन रूल लर्निंग कहते हैं और ये भी एक अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। ओके तो अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ टाइप्स हैं। जो सबसे पहला मेजर टाइप है उसे क्लस्टरिंग कहते हैं। उसके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसे हम कहते हैं के मींस हायरार्किकल क्लस्टर एनालिसिस एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। ओके एक विजुअलाइजेशन एंड डायमेंशनली रिएक्शन में कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं, कर्नल केसीए, लोकल लीनियर एम्बेडिंग, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेवर एम्बेडिंग। ओके और ये जो भी मैंने अमेजन वाला आपसे एग्जांपल दिया था आपके सामने एसोसिएशन रूल लर्निंग, उसके कुछ एल्गोरिदम्स के एग्जांपल हैं एप्रियोरी और एक्लेट। ओके सेमी सुपरवाइज लर्निंग मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। एक जो लास्ट है, लास्ट टॉपिक है जिसे हम रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। तो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में एक एजेंट है और यहाँ पे फायर है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, राइट। तो ये एजेंट जो है इस एनवायरनमेंट को पहले ऑब्जर्व करेगा। ओके ये एजेंट जो है इस एनवायरनमेंट में है, फिर ये एक एक्शन को सेलेक्ट करेगा। ओके सपोज करो इसने इस एक्शन को सेलेक्ट किया कि मुझे इसे जाके छूना है, राइट। तो जैसे ही इसने यहाँ पे छुआ, इसका हाथ जलेगा तो ये बोलेगा आउच, और ये यहाँ पे पेनल्टी इसको मिलेगा -50 पॉइंट्स का, राइट। -50 पॉइंट्स का पेनल्टी मिलेगा। अगर ये यहाँ जाता तो इससे +50 पॉइंट्स का पेनल्टी मिलता। तो अभी ये यहाँ गया, इसे मिला -50 पॉइंट्स का पेनल्टी। और अब ये मशीन, ये जो एजेंट है, ये सीख रहा है कि नेक्स्ट टाइम जो है इसको अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ जाने पे हाथ जल रहा है, ये बैड है, राइट। तो ये इसके माइंड में, मतलब इस एल्गोरिदम में ये चीज़ रेनफोर्स हो रही है, राइट। एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि आज के डेट पे ड्राइवरलेस कार बहुत ही कॉन्सेप्ट में आ रहा है, तो वो भी इस रेनफोर्समेंट लर्निंग को ही यूज़ करेगा। अगर वो कार चल रहा है, अगर कोई कार बिना ड्राइवर के रोड पे चल रहा है और साइड के जो लेंस होते हैं, ठीक है, दो लेन से सपोज करो और दो लेन के बीच में वो कार चल रहा है, ठीक है। तो वो कार विदाउट ड्राइवर है और वो चल रहा है रोड पे, अगर वो राइट साइड के लेन में जाएगा तो उसको पेनल्टी मिलेगा। ओके अगर वो लेन को टच करेगा तो जैसे ही पेनल्टी मिलेगा वो लेफ्ट साइड टर्न करेगा। ओके और फिर वो स्ट्रेट जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड गया और लेफ्ट साइड वाले लेन को टच किया तो उसे फिर पेनल्टी मिलेगा और वो फिर इधर आएगा राइट साइड, और फिर वो स्ट्रेट जाएगा। ओके तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको रेनफोर्समेंट लर्निंग समझाने का।
इसका डेफिनेशन मैं रीड नहीं करूंगा, आप लोग चाहो तो रीड कर सकते हो। ओके, और इसका एक और बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ केस कि ये रोबोटिक्स में यूज़ होता है बहुत ही ज़्यादा, या फिर ड्रोन्स को फ्लाई करने में यूज़ होता है। इस लर्निंग का हम यूज़ करते हैं ड्रोन्स को फ्लाई करने में भी। हाँ, तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो आप लोग डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को सुनोगे। तो बेसिकली ये चार टाइप्स थे मशीन लर्निंग के। हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सब इनमें से कुछ कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ अप्लाई करना है, इन सब के बारे में हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इस पीपीटी को अपने गिटहब रिपोजिटरी में रख दूंगा, और पीछे के कुछ लेक्चर्स हैं उसके भी पीपीटी या फिर कोड को मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी में रख दूंगा, और वो लिंक मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहे तो आप लोग इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।